तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं गुरुद्वारा से चोपता। तो लेट्स दिखाते हैं आपको गुरुद्वारा चोपता का व्यू, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी निकलते हैं हम, अंधेरा हो रखा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और निकलने वाले हैं हम। खुद को भी मैंने आज अनबॉक्स कर दिया है। गाइस, सुबह के बज गए हैं 5 और अभी हम पहुंच गए आधे रास्ते में। तो अभी आगे हमें काफ़ी आगे जाना है, अभी थोड़े रेस्ट करने के लिए रुके थे हम, तो देखते हैं, चलते हैं। चलो धीरे धीरे आगे, तो देखते हैं आगे कब। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह के बज गए हैं 7 और हम पहुंच गए अभी आधे रास्ते में। सतपुली से थोड़ा पहले हैं और काफ़ी बढ़िया लोकेशंस आ रही हैं, अच्छी अच्छी लोकेशंस आ रही हैं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, टाइम हो गया है अभी 14 बज गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं चोपता। रास्ते का व्यू नहीं दिखा पाए क्योंकि रोड में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी और क्या बोलते हैं, उसके ऊपर से पारा गिर गया था, तो ड्राइव करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए बनाई नहीं। और भी हम पहुंच गए हैं चोपता और व्यू देखो चोपता का, क्या फर्स्ट क्लास है। मेरे चारों तरफ देखो बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है। लुक इट गाइस, पीछे का व्यू देखो, पहाड़ों में पूरी फुल बर्फ। इट गाइस, क्या व्यू है। अभी थोड़ा स्नो कम है, काफ़ी है, इतने भी काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे गाड़ी चलाने में। स्नो कम ही है, अभी दूर है, अभी काफ़ी पहाड़ों में दूर है, इधर भी है पर थोड़ी कम है अभी, तो वहाँ पीछे फुल है। व्यू तो चोपता का ही है यार, जबरदस्त। अगर स्नो फुल होती तो ये सारे पेड़ फुल होते, स्नो से पूरा सफ़ेद होता है, बट स्नो अभी कम ही है तो कमी आ रखे अभी। ये हमारे गौतम जी आते हुए। तो गौतम जी, बर्फ तुमने पहली बार देखी कि लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फ देख रहे हो, तो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है ना? और लोकेशन कैसी लग रही चोपता की? लोकेशन भी मस्त है। बताओ, गौतम जी को काफी पसंद आ गया है, तो क्या आप इसको खाना पसंद करोगे थोड़ा? नो 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 नो, टेस्ट काफी बढ़िया होता है इसका, बर्फ का। हाँ, ओह माय गॉड, बर्फ तुम टेस्ट कर सकते हो। फुल मस्ती, फुल फुल मस्ती, गौतम जी फुल मस्ती है ना? फुल मस्ती आ रखी है चोपता में, बर्फी बर्फ। आह, मजा आ गया जी। भले लागियो हिमाल डांडा, बरखा लगी बागड़ काटियों, चोपता की हसीन वादियाँ। सर फूट गया था यहाँ हसीन वादियों में। ये हो रहा है चोपता में मजे। ये देखिए भव्य नज़ारे, बर्फ में ऐसे हाल हो जाते हैं, जब ज़्यादा बर्फ मिलती है तो ऐसे पैदल जाना पड़ता है। पैदल पैदल चल रहे हैं अभी, बहुत रिस्क है रे बाबा, रिस्क ही रिस्क है बर्फ में।
ऐसे चलेंगे, रात को ट्रिप चल रही है इनकी। बताओ यार ऐसे कहाँ चल पाएगा काम, 50 बार आदमी गिर जा रहा है, 50 बार उठ जा रहा है, ऐसे चल नहीं पाएगा भाई बर्फ में। अरे छोटा छोटा बाटा मेरा छोटा छोटा गांव, क्या हो गया बाबा यार, क्या हो गया, एडवेंचर हो गया खतरनाक ही। एक बार चढ़ गया तो वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ये है रात के बज रहे हैं अभी 10 और हम जा रहे हैं अभी लकड़ी लेने, कैंप फायर करने के लिए लकड़ी लेने जा रखे हैं। ये तो थान में नहीं जा रहे, तो थान को उड़ जाने तू। ये नाम लिखा है यहाँ क्या है भाई, क्या है बाबू 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 भाई ने यहाँ पे अपने नाम लिख के जा रखे हैं अभी लकड़ियों की खोज में, मुलायम दा हमारे लकड़ियों की खोज में। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ रहे हैं अभी लकड़ी लेके, लकड़ी लेके आ रहे हैं, लकड़ियाँ हो गई हैं और बर्फ काफी। बर्फ है काफी तेज, बहुत बर्फ गिरी है इधर को, चलने में दिक्कत हो रही है और जूते सारे गीले हो गए हैं, ठंडा। माय गॉड बहुत ठंडा है। ये हमारा कलेक्शन लकड़ियों का, बहुत बढ़िया कलेक्शन हो गया लकड़ियों का। हाँ ये लगता हमारे लकड़ियाँ जमा करते हुए। सब ले ले भाई, सब ले ले, सब ले चल। पत्ते भी हैं हमारे पास आग जलाने के लिए। चल भाई हो जाएगा इतने से, यहाँ पे जलेगी अपनी आग। जला भाई लाइटर ला। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से बर्फ में हम आग जला पा रहे हैं। जला दिया भाई बड़ी मुश्किल से यार। ब्लॉग बनेगा उसके बाद हमारा। ब्लॉग बनेगा। किन मानती है गांव से? पता नहीं हम वहीं की। उसका देख पॉलीथीन दे दो यार। आग जलाने में बहुत दिक्कत है। जला भाई जला, जल जाएगा ये। मन तो उठो हल्का अल्कोहल डाल दो। अरे अल्कोहल ना जोगी यार, बस पतलू लाल पकाने बस। चलो भाई अपनी आग जल गई है, अब लाख डाल। जल गई जल गई जल गई, बस जला दी भाई जला दी। बहुत बढ़िया जल गया जल गया। फायर कैम स्टार्ट हो गया भाई, अब बोन फायर चलेगा, रात भर चलेगा फायर। मणि तो जोगन दे वो बात मोटा लाख है, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी ना, खतरनाक हो यार। दम कर ना मल भयो, अरे की में मार गया दिन मान आ गए हम जी मिले दिन मान बात का आग जले लगा भाई गुनी खाना लगा यार जी नहीं तो खाना लगा
खाने में हमारे पास पनीर और रोटी चलो फिर हम मनाएंगे ब्लॉग आज की पार्टी यहीं पे एंड होती हुई। चलो आज की पार्टी एंड हो गई है, अब चलते हैं रूम पे। दिख तो कुछ रहा नहीं। कॉल सपोर्ट खाली इंग्लिश के बाद। हेलो गाइस, अभी शाम के बज गए हैं, 1 बज गया है, तो आज की पार्टी हो गई है ओवर। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जब ठंड काफ़ी ज़्यादा है अभी, तो अब चलते हैं और सोते हैं। ओके गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह। और कल सुबह जाने वाले हैं हम तुंगनाथ, तो तुंगनाथ का ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं कल सुबह।